पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाए, दलितों की बात उठाए, पिछड़ों की बात उठाए, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, जो देश को रोजगार देते हैं, उनको खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोरोना के समय हमने कहा जनता को डायरेक्ट का पैसा दीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद कीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकियों को कुछ नहीं। मीडिया की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूं हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं। मगर भाइयों और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझदार है, देश की जनता को सब कुछ समझ आ रही है और आस्ते आस्ते देश में दलितों में, गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के भाग निकलेगा।